नमस्कार किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। और आप अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो किसान भाई जिन्होंने सरसों लगा रखी है उसमें एक बहुत ही भयंकर रोग आया हुआ है जो कि स्क्लेरोटियम फंगस के कारण आया हुआ है। तो इसकी मैं आपको इस वीडियो में पूरी तकनीकी जानकारी देने वाला हूँ। ये जो स्क्लेरोटियम फंगस है, ये इसका जो नाम है वैज्ञानिक नाम स्क्लेरोटियम रोल्प्सी है, ये एक मृदा जनित रोग है। यानी ये रोग मिट्टी से आया है। गर्म मौसम और जो अभी ज़्यादा तापमान हो रखा है, जो हाई टेम्परेचर दिन के अंदर जो ज़्यादा तापमान है और पौधे की जड़ों के पास या मिट्टी में जो नमी है, उसके कारण ये जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा बीमारी आती है। इसकी वाइट वाइट जो फंगस की ग्रोथ है, जो कवक है, वो भी आप देख सकते हैं जैसे फोटो में दिख रहा है। अब ये कब हमारे खेतों में दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे फीडबैक, बहुत सारे फोटो मेरे पास भी आए हैं। जैसे ही हम पहले सिंचाई करते हैं उसके 1 या 2 दिन बाद इस फंगस का अटैक दिखता है, क्योंकि हमारे खेत में नमी हो जाती है और ऊपर से अभी दिन के अंदर जो है तेज़ धूप निकल रही है तो तापमान भी है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उसके कारण ये बीमारी एकदम पूरे खेत में फैल रही है। इस बीमारी से जो है हमारा जो क्राउन पार्ट है पौधे का वो गल रहा है और उसके साथ में जो जड़ें हैं हमारी वो भी हमारी गल रही है। इसमें धीरे धीरे ये पूरा गलने के बाद में, जैसा आप फोटो में भी देख रहे हैं, हमारा पूरा पौधा मुरझा जाता है और पूरे खेत के अंदर पैचेज में, हो सकता है पूरे खेत में ही हो, नहीं तो कहीं कहीं पे ये पैचेज में ये जो बीमारी है ये हमको दिखाई देती है। अब हम इसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो मेरा किसान भाइयों से ये निवेदन है कि अगर अभी तापमान ज़्यादा है आपके वहाँ पे और आपको लग रहा है कि आपके पड़ोसी ने सिंचाई की और उसके ये बीमारी आई, तो आप अभी सिंचाई नहीं करें कुछ दिन के लिए। आप अपने मोबाइल में आजकल हमको सुविधा रहती है मौसम देखने की, तो आप देखें कि मौसम कब ठंडा हो रहा है उस समय पे आप सिंचाई करें, या सिंचाई करने से पहले ही हम, मैं आपको आगे कुछ दवाइयाँ बताऊँगा उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह सिंचाई के साथ जो हम यूरिया दे रहे हैं, यूरिया भी इस बीमारी को बढ़ाने में सहायक है, तो यूरिया का प्रयोग नहीं करें। आपने अगर सिंचाई कर दी है, यूरिया नहीं डाली है, तो भी यूरिया नहीं डालें। इसके अलावा अगर मैं फंजीसाइड में बात करूं तो कार्बेंडाजिम जो आता है 50 WP, ये दवाई सबसे इफेक्टिव इस पे पाई गई है। 2 से 2.5 ग्राम हमको जड़ों के पास, ड्रेंचिंग का मतलब है जड़ों के पास इस दवाई को डालना है। इसके अलावा हम कार्बेंडाजिम जो मेनकोजेब मिक्स में जो आ रहा है इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये दवाई भी हमको 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी, जो जो आपका प्रभावित एरिया है उस एरिया में आप जड़ों के पास इसको डाल सकते हैं। अगर आपके खेत में नमी है तो आप ये जो दोनों दवाइयाँ हैं इसको आप बालू रेत में मिला के भी प्रभावित एरिया में डाल सकते हैं। पूरे खेत में डालने को आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी पैचेज में आती है। अगर आपको लग रहा है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होने का डर लग रहा है, तो इन दोनों के अलावा एक जो साइमोक्सिनिल प्लस मेनकोजेब जो करजेट के नाम से दवाई आती है ड्यूपोंट कोर्टेवा की, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका भी हम ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या इसको भी आप मिट्टी में मिला के दे सकते हैं, तो ये बीमारी तुरंत से रुक जाएगी। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आप इस वीडियो को अपने सभी सरसों लगाने वाले किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।